पद्मावत से संजय लीला भंसाली का है 30 साल पुराना नाता। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत काफी विवादों के बाद 25 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। फिल्म को लेकर देश भर में विरोध अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। भंसाली पहली रानी पद्मावती के ऊपर फिल्म नहीं बना रहे, बल्कि भंसाली पहले भी 1980 के दशक में इस कहानी पर काम कर चुके हैं। खबरों की माने तो 1988 में भंसाली ने पद्मावत की कहानी पर काम किया। भारत एक खोज में इसका एक एपिसोड भी दिखाया गया था। उस समय कोई हंगामा नहीं हुआ। नेशनल चैनल दूरदर्शन पर भारत एक खोज नाम के कार्यक्रम में 26वें एपिसोड द दिल्ली सल्तनत एंड पद्मावत में रानी पद्मावती की कहानी दिखाई गई थी। उस समय भंसाली अपने नाम के साथ लीला नहीं लगाते थे। भारत एक खोज में अलाउद्दीन खिलजी को आईने के जरिए रानी पद्मावती को दिखाते हुए और एपिसोड में घूमर भी दिखाया गया था, पद्मावत के जौहर को नहीं दिखाया गया था। एपिसोड के अंत में संजय भंसाली नाम को एडिटर की लिस्ट में सबसे ऊपर देखा जा सकता है। राजेंद्र गुप्ता, राजा रतन सिंह और सीमा केलकर ने रानी पद्मावती का रोल प्ले किया था।